साथियों, एक समय था जब भारत में नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक तरीके से खेती होती थी। प्राकृतिक खेती यानी खेती में कोई बाहरी मिलावट नहीं, जो खेत से मिल रहा है, खेती में जुड़े पशुओं से मिल रहा है, वही तत्व खेती को बढ़ाने के काम में आते थे। खाद हो, कीटनाशक हो, सब कुछ प्राकृतिक तरीके से ही बनते थे, इस्तेमाल होते थे। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक खेती का दायरा सिमटता गया, उस पर केमिकल वाली खेती हावी होती गई। धरती मां के कायाकल्प के लिए, हमारी मिट्टी की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें एक बार फिर प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना ही होगा। यही आज समय की मांग है और इसलिए अब सरकार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा अभियान भी चला रही है। और आज जब हम आजादी के 75 साल, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब मैं देशवासियों से, खास करके मेरे किसान भाइयों बहनों से, विशेषकर मेरे छोटे किसानों को आज किसान दिवस पर आग्रह करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़े। प्राकृतिक खेती खर्च भी कम होता है, उत्पाद भी बढ़ता है, ये खेती का सबसे सस्ता तरीका है, सबसे सुरक्षित तरीका है। और आज के विश्व में प्राकृतिक खेती से पैदा हुई फसलों की कीमत भी बहुत ज्यादा है। ये हमारे कृषि सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। मैं देश के स्टार्टअप सेक्टर को भी, नौजवानों को भी कहूंगा कि नेचुरल फार्मिंग के आपके लिए अनेक नई संभावनाएं हैं। हमारे नौजवानों को, युवाओं को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अभी यहां मंच पर आने से पहले मुझे ऐसे कई युवा से मिलने का मौका मिला, सरकारी योजनाओं से जुड़ने से कितने बड़े साहसपूर्ण काम उन्होंने किए हैं, कितना बड़ा बदलाव उनके जीवन में आया है, मैं उसे सुनकर के बहुत ही आनंदित हुआ। योजनाओं के प्रति मेरा विश्वास और मजबूत हो गया।